आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। सोनी हत्याकांड की जांच करने पहुंचा अखिलेश का जांच दल। जनपद सामरी की छात्रा सोनी कश्यप हत्याकांड के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश पर 5 सदस्य जांच दल ने गढ़ीश्याम में पहुंचकर मामले की जांच की। जांच दल ने पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सामरी के कांडला में 13 दिसंबर 2017 को गंगेरू कॉलेज से लौटते समय 12वीं की छात्रा सोनी कश्यप पुत्री वीरा कश्यप की गांव के अमरपाल ने पलकटी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी। मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किया गया, जिसके चलते पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद 4 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। जिला मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक हुए आंदोलन में छात्रा इंसाफ दिलाने के 7 आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने मामले को गंभीरता से लेकर हत्याकांड की अपने स्तर से जांच कराने का निर्णय लिया। सोनी हत्याकांड की जांच के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप, संजय गर्ग विधायक सहारनपुर, नाहिद हसन विधायक कैराना, सुधीर पवार जिला अध्यक्ष, अशोक चौधरी को जांच दल में शामिल किया गया। शनिवार को 5 सदस्य दल गांव गढ़ीश्याम में जांच करने के लिए पहुंचा। दल ने पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। चौकी पुलिस कर्मियों से मामले की जानकारी ली। जांच दल में जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी व विधायक संजय गर्ग ने घटना के संबंध में मृतक छात्रा की बहन व चाचा सेठ पाल से घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। परिजनों ने जांच से दल से इंसाफ व सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित परिजनों ने तथाकथित नेता पर आंदोलन करने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप भी लगाया। विधायक संजय गर्ग ने पीड़ित परिवार को बताया कि घटना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश कुमार यादव गंभीर हैं, इसलिए जांच दल का गठन किया गया। जांच दल ने अपनी सभी जांच को पूरी कर ली है। इस संबंध में शीघ्र अखिलेश यादव को रिपोर्ट दे दी जाएगी। परिवार की सुरक्षा व सुगम न्याय के लिए पार्टी हर संभव साथ देगी। सुधाकर सिंह कश्यप ने कहा कि भाजपा ढोंगी की सरकार है। 12 किलोमीटर पर प्रदेश के सीएम कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आते हैं, लेकिन छात्रा सोनी के परिजनों का हाल जानना तक भी उचित नहीं समझा, जिससे साबित होता है कि प्रदेश व केंद्र सरकार बेटी की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, लेकिन परिवार को इंसाफ व सुरक्षा दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। विधायक जी, सोनी हत्याकांड में किस तरह की मदद दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो 5 स्तरीय टीम यहाँ पे बना के भेजी गई है परिवार के और गांव में, आज हम लोग आए हैं इनके बीच में। और जैसे हम लोगों को पता चला कि ये पहली घटना नहीं है, तीसरी घटना थी जिसमें जो है बेटी का, बहन का जो मर्डर करा गया। उससे पहले भी 2 बार यहाँ गांव में उसी लड़की के साथ घटना हुई, लेकिन पुलिस के दरवाजा खटखटाया, वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ के गांव के जिम्मेदारों को बुला के उसको निपटाने की कोशिश करी गई। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी और यहाँ गांव के लोगों ने भी उन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई समाज की। और आज हम लोग ये सारी की सारी रिपोर्ट हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। और जिस तरीके से आप लोग ने, हमारे और भी समिति के साथियों ने कहा कि जिस तरह हम लोग यहाँ रिपोर्ट देंगे, इन लोगों की आवाज़ यहाँ कोई नहीं उठाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऊंचे लोगों की, अमीर लोगों की सुनती है, गरीब आदमियों की कोई सुनने वाला नहीं है, पिछड़े लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जिस तरह हम लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत ही माइनॉरिटी में यहाँ पे ये हमारा कश्यप समाज इस गाँव में रहता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करेंगे, समाज पूरा कोशिश करेगा, पूरा इलाका कोशिश करेगा कि इन लोगों का गांव में, गांव से कहीं और, इनको कहीं शहर में या किसी और गांव में जहां पे कश्यप समाज है वहां पे इनको कहीं ना कहीं बसाने का, जहां पे इनकी सिक्योरिटी हो सके, ये अच्छे से अपना जो है जीवन यापन कर सके। और जो जिस परिवार के साथ हुआ है उसको यहाँ हमारी पार्टी की तरफ से उनकी आर्थिक सहायता हो, उनको इंसाफ दिलाया जाए, कानूनी तरीके से इंसाफ दिलाया जाए, और हर तरीके से उनके आगे भी
आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सब चीजें हम उनके कानों तक पहुँचा सके, उनको बता सके। सर, आप जो आज गड़ीसान में आए, ये क्या पूरा मामला है? ये जो विभत्स घटना लड़की के साथ हुई है, महिला सुरक्षा का दुहाई देने वाली सन्यासी की सरकार में रहते हुए कश्यप समाज की बिटिया के साथ इस तरह का विभत्स घटना हो जाए और 15 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आए और उस बारे में संवेदनहीन हो जाए, उनकी संवेदनहीनता इतनी हो जाए कि केवल रोमियो स्क्वाड के नाम से महिला सुरक्षा की दुहाई देने वाले इस बात का वो आना भी गवारा ना समझे, उन लोगों को संवेदनशीलता के अपनी परिचय भी ना दे सके कि भाई हम संवेदनशील होते होने के नाते जो इस बिटिया का इस तरह से विभत्स मर्डर हुआ है उसमें सरकार इनके साथ खड़ी है, ये तमाम चीजें ना करते हुए बल्कि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुचक्र कर इन लोगों से उल्टे पैसे वसूल कर जो आंदोलन करने के नाम पर इनसे पैसे लेने का काम किया है, हम इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 सदस्यीय जांच दल को यहां पर भेजने का काम इसी आशय के साथ किया, जब उन्हें इस बात की घटना का मालूम लखनऊ में हुआ तो तुरंत इस घटना के बाद यहां के स्थानीय अपने कमेटी के लोगों से उस घटना की डिटेल जानकारी लेने के बाद इस जांच दल को यहां पर भेजने का काम किया है, हम इसके तमाम चीजों की एक डिटेल विस्तृत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को पार्टी की तरफ से होने के नाते देंगे, माननीय नाहिद हसन जी हमारे विधायक हमारे साथी विधायक जो इस जनपद से हैं उन्होंने इस बात को विधानसभा में उठाया, मैं मंडल हेडक्वार्टर से हूं, हम निश्चित रूप से कोई भी बात कहीं भी किसी भी स्तर पर होगी समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए अपनी बहन सोनी कश्यप के लिए पूरी जी जान लगाने का काम करेगी, सोनी के साथ जिस तरह की घटना हुई है मैं समझता हूं कि आजाद भारत में इस तरह की घटना का होना किसी सभ्य समाज को प्रदर्शित नहीं करता, जो इन लोगों ने भी इस घटना को किया है वो किसी भी समाज के हों, सवाल समाज का नहीं है, अपराधी किसी भी समाज का हो सकता है परंतु सवाल उस बात की उस अपराधी की मानसिकता के साथ लड़ने का है, ये जो कानून व्यवस्था है केवल इसकी दुहाई दी जाए और उस तरह के उदाहरण पेश न किए जाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेषतः आकर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करने का काम करें कि किसी भी रूप में अपराधी को संरक्षण मिल सके, उसे छुड़ाने का काम किया जा सके, आपस में समझौता करने का काम किया जा सके, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकेगा, ये पुनरावृत्ति अगर रोकनी होगी तो उसके लिए सख्त कदम उठाना होगा, उसके लिए सजा दिलानी होगी जिससे कि फिर दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत जुटाने का काम ना कर सके, समाजवादी पार्टी का जांच दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस घटना को गंभीरता से लिया है और हम इस बात को हर स्तर पर उठाते हुए लड़की पक्ष को जो है जो सोनी कश्यप का मर्डर हुआ है उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी गांव गोड़ीसान में आज किस तरह की जांच में तथ्य सामने आए हैं? इसमें जो तत्व प्रकाश में आया है भी आपको माननीय विधायक जी ने हमारे बताया है, ये भी हमारे जांच दल के सदस्य हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जांच कमेटी हमारी गठित हुई है, माननीय नाहिद हसन साहब हैं इसमें, डॉक्टर पवार साहब हैं, हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये तो सर्वसार है तो आप लोगों को भी पता है कि हमारे समाज के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और हम लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी जाति के लोगों को मात्र और मात्र एक बहकावा कराया जाता है और हमें गुमराह कराया जा रहा है, जिला मुख्यालय पे हम लोगों ने भारी तादाद में अपनी बहन बेटी के न्याय के लिए गुहार लगाई लेकिन इस निकम्मी नाकारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिला अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर तक हमारे दुख में शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर हमारे कश्यप समाज में गहरा रोष है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर आए भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी योगी ये आए, यहाँ पे आने के बाद मैं तो ढोंगी और योगी दोनों ही कहता हूँ क्योंकि ढोंग करने वाले लोग हैं, ढोंग के आगे सब नर्वस हो जाते हैं, यहाँ तक हमारे दुख में शामिल नहीं हुए, अगर कहीं कोई और बात हो जाती है तो वहाँ सीएम भी और पीएम भी पहुँच जाते हैं, हमारे समाज के कोई रखवाला नहीं, अगर समाजवादी पार्टी हमारे समाज की रखवाली है तो है सिर्फ समाजवादी पार्टी, और ये जाँच दल निश्चित रूप में जो हमारी जायज रिपोर्ट है उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें बड़ा फैसला लेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद है।
आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।